देश के दिग्गज उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को ट्रेड और इंडस्ट्री के सेक्टर में अद्भुत योगदान के लिए इस साल पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। कुमार बिड़ला आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन हैं। इस अवार्ड से नवाजे जाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। अब कुमार मंगलम बिड़ला ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको भी बता दें। राष्ट्र निर्माण और ट्रस्टीशिप की भावना से मेरे परिवार को पीढ़ियों से निर्देशित किया है और इसीलिए ये राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करना वास्तव में बहुत ही सुखद है। मैं इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, जिसे मैं 36 देशों के अपने 140,000 सहयोगियों की ओर से स्वीकार करता हूँ। ये पुरस्कार आदित्य बिड़ला समूह के अनुधैर्य प्रभाव की मान्यता है। जीवन को समृद्ध बनाने और कार्यों के माध्यम से ये प्रदर्शित करने में कि व्यवसाय अच्छे के लिए एक शक्ति है। अब जरा इस सम्मान के बारे में जान लीजिए, यानी पद्म विभूषण सम्मान क्या है वो समझ लीजिए। पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारत में विशिष्ट काम किए हों। ये अवार्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। एक तरह से कहें तो ये अवार्ड नहीं बल्कि देश के द्वारा दिए जाने वाला सम्मान होता है। ऐसा नहीं है कि इस साल सिर्फ कुमार बिड़ला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, बल्कि इस साल 9 लोगों को इस सम्मान से नवाजा गया है। बता दें, ये अवार्ड लिटरेचर, एजुकेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री, साइंस, आर्ट और सोशल वर्क के सेक्टर में काम करने वाले डिस्टिंग्विश्ड लोगों को दिया जाता है। अब आते हैं कुमार मंगलम बिड़ला पर। इनका जन्म 14 जून 1967 को कोलकाता शहर में हुआ था। इनके माता पिता का नाम श्री आदित्य विक्रम बिड़ला और श्रीमती राजश्री बिड़ला है। कुमार मंगलम बिड़ला के परिवार का ताल्लुक बड़े घराने से है। बता दें, ये राजस्थान के बिड़ला परिवार की 5वीं पीढ़ी के सदस्य हैं। कुमार बिड़ला ने लंदन बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की और उन्होंने 1992 में लंदन विश्वविद्यालय से मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया। वे अब लंदन बिजनेस स्कूल के मानद फेलो यानी ऑनरेबल फेलो ऑफ द लंदन बिजनेस स्कूल से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। कुमार बिड़ला पहले भारतीय उद्योगपति हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी IIM अहमदाबाद और IIT दिल्ली में बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। जहां तक बात कुमार बिड़ला के सक्सेस स्टोरी की है, तो कुमार मंगलम बिड़ला आदित्य बिड़ला ग्रुप की कमान 28 साल से संभालते आ रहे हैं। इनके अंडर में ग्रुप और कंपनी का कारोबार 30 गुना बढ़ा है। आंकड़ों से समझें तो आदित्य बिड़ला ग्रुप का बिजनेस 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया है। कुमार मंगलम बिड़ला ने देश और वैश्विक स्तर पर 40 अधिग्रहण यानी एक्विजिशन को लीड किया। कुछ प्रमुख के नाम हम आपको बता देते हैं, जैसे आदित्य बिड़ला ग्रुप ने 1999 में इंडियन रियोन एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मधुरा गारमेंट्स का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण के चलते ग्रुप वेन हॉसन, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड और लुई फिलिप जैसे प्रीमियम ब्रांड्स का मालिक बन गया। साल 2004 में अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन एंड टर्बो का सीमेंट ऑपरेशंस को डीमर्ज किया गया। इससे ठीक 3 साल बाद बिड़ला की फ्लैगशिप कंपनी हिंडाल्को ने नोवेल्स कंपनी को अक्वायर कर लिया, जो दुनिया भर में एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर और रिसाइकलर थी। साल 2012 में आदित्य बिड़ला नूवो लिमिटेड यानी ABNL द्वारा फ्यूचर ग्रुप के पेंटालूंस का अधिग्रहण कर लिया। इस अधिग्रहण के बाद ABNL ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए कई ब्रांड्स, स्टोर फॉर्मेट और कैजुअल वेयर्स, एथनिक वेयर्स, फॉर्मल वेयर्स, पार्टी वेयर्स और स्पोर्ट वेयर्स की सेगमेंट में एंट्री किया। आज के रेट में आदित्य बिड़ला ग्रुप एक ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट है जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल है। इस ग्रुप का फाइनेंशियल ईयर 2022 में एनुअल टर्नओवर 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आज आदित्य बिड़ला ग्रुप 36 देशों में फैली हुई है और इसका 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू ओवरसीज ऑपरेशन से आता है। जाते जाते इनके परिवार को कितने सम्मान अब तक भारत सरकार से मिले हैं वो जान लीजिए। कुमार मंगलम बिड़ला की माता श्री राजश्री बिड़ला को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही कुमार मंगलम बिड़ला के परदादा श्री GD बिड़ला को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।
यानी बिरला परिवार में ये तीसरा सम्मान होगा जो कुमार मंगलम बिरला को मिलेगा।